आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन की अध्यक्षता में दूसरी बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। यहां कुल 106 वार्ड के पार्षद उपस्थित हुए। पहली बोर्ड बैठक बीजेपी ने बहिष्कार किया था, हालांकि इस बैठक से भी बीजेपी ने पार्षद ने वॉकआउट कर दिया। पार्षद गौरव गुप्ता ने तो बोर्ड की बैठक को असंवैधानिक करार दिया। इस बैठक में गरुई नदी की साफ सफाई और पानी के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। विरोधी पार्षदों की माने तो इस बैठक में जलापूर्ति न करने और बोर्ड गठन न करने को लेकर ही मुद्दा गरमाया रहा। ज्ञात हो कि नगर निगम मतदान बहुमत से जीतकर मेयर बने 2 महीने से अधिक हो गया है, लेकिन अब तक बोर्ड गठन नहीं किया गया है, जिसे लेकर बीजेपी काफी मुखर है। आए दिन बीजेपी पार्षद चैताली तिवारी इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोले रहती है। शनिवार को 29 नंबर वार्ड के बीजेपी पार्षद गौरव गुप्ता ने तो यहां तक कह दिया कि यदि 10 दिनों में बोर्ड गठन नहीं किया गया तो हम लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर का शपथ लिए हुए 60 दिन से ऊपर हो चुका है और म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार 30 दिन के अंदर में MIC और बोर्ड चेयरमैन का गठन करना होता है, लेकिन बहुत दुख का संग बोलना पड़ रहा है कि आज 60 दिन से ऊपर हो चुका है। हमारे भारतीय जनता पार्टी जो पार्षद दल की नेता हैं चैताली तिवारी मैडम, उन्होंने दो दो बार लेटर भी किया है कॉर्पोरेशन को कि जल्द से जल्द बोर्ड MIC और बोर्ड चेयरमैन का गठन किया जाए ताकि आसनसोल शहर का पूर्ण रूप से विकास हो सके, जो डेवलपमेंट का मटका हुआ है वो हो सके, लेकिन कोई भी इसके तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसे नहीं किया जा रहा है। तो ये मीटिंग असंवैधानिक है। तो एक संवैधानिक मीटिंग कब होगा, बोर्ड मीटिंग, जब वहाँ पे MIC बोर्ड चेयरमैन सभी को उपस्थित रहेंगे। लेकिन बहुत दुख का संग बोलना पड़ रहा है कि अभी तक डिप्टी मेयर की घोषणा नहीं हुई है, बोर्ड चेयरमैन नहीं हुआ, MIC नहीं हुआ, बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोगों ने कहा है कि इसे जल्द से जल्द किया जाए और अगर 10 दिन के अंदर में नहीं किया जाएगा तो फिर हम लोग कानूनी रूप से हाईकोर्ट की तरफ जाने को बाध्य होंगे। वहीं 28 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने कहा कि रमजान के महीने में भी लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। खुद आज उन्होंने 2 टैंकर पानी खरीद कर लोगों तक पहुँचाया, ये दुर्भाग्य की बात है। मसला कुछ नहीं है, असल मैंने तमाम मेंबर का डिस्कशन होने से ही हेल्दी मैंने बोर्ड मीटिंग कहलाता है और ये शुरुआत अच्छा है। एजेंडा में वाटर रखा गया था और माइनॉरिटीज इलाके में, खास करके रेल पार में, चूँकि मैंने रमज़ान का महीना चल रहा है, फास्टिंग में लोग हैं और ऐसे वक्त में पानी के लिए मैंने लोग परेशान हैं, पानी खरीद करके पीना पड़ रहा है। आज ही देखिए मैं 2 टैंक पानी खरीदा हूँ लोगों के लिए 500 रुपये दे करके, तो ये सब बहुत तकलीफ दे है, कोशिश होनी चाहिए। मेयर साहब ने यकीन दिलाया है कि जितना जल्द हो हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको सॉल्व कर लेंगे। बोर्ड गठन कब तक होगा, ये कुछ पता चला? ये 1 महीना और एक्सटेंशन उन लोगों ने मांगा है अपने डिपार्टमेंट से। अब तो हम लोगों का तो और कुछ किया नहीं जा सकता है, ये तो उन लोगों का मसला है। हालांकि मेयर ने बोर्ड मीटिंग में मुद्दों की जानकारी देने के बाद कहा कि मीटिंग के मुद्दों से हटकर अन्य मुद्दों पर पार्षदों ने वॉकआउट किया था। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के कारण मेयर परिषद के सदस्यों के नियुक्ति में देरी हुई है, 1-2 दिन में ये काम भी पूरा हो जाएगा। ऑलरेडी जेहेतु आसनसोल कॉर्पोरेशन निर्वाचन, आसनसोल लोकसभा उपनिर्वाचन छिल এবং মানুষ এর মধ্যে আমরা পুরোটাই নির্বাচনের মধ্যে ছিল, যে কারণে এটা দেরি হয়েছে, এটা কিছুদিন 2-1 দিনের মধ্যে হয়ে যাবে। शुक्रवार को आसनसोल के GT रोड स्थित सेंट मेरी गोरेटी स्कूल के सामने अपनी बेटी को स्कूल से वापस लेने पहुंची बर्णपुर के शांति नगर की रहने वाली 27 वर्षीय बेबी साव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। स्कूल के सामने सड़क पार करने के दौरान एक बाइक से धक्का लगने की वजह से बेबी साव गिर गई और उसी वक्त किसी बड़े वाहन ने पैरों को उनके कुचलते हुए फरार हो गया। इस घटना को केंद्र कर स्कूल में पढ़ने वाले अन्य बच्चों के अभिभावकों ने शनिवार की सुबह अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर तथा स्कूल के सामने छुट्टी के समय उचित ट्रैफिक व्यवस्था की मांग पर सड़क जाम कर घंटों प्रदर्शन किया, जिससे आवागमन बाधित रहा। अभिभावकों ने सड़क पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ और स्कूल के अंदर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाए। अभिभावकों के साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष दिलीप देव और भाजपा नेता बीघू ठाकुर भी देखे गए। अभिभावकों की मांग है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में तत्परता दिखाए और दोषियों की गिरफ्तारी करे। इसके अलावा स्कूल के सामने ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न घटे। ट्रैफिक लापरवाह के कारण एक महिला जो गर्भवती थी उसे किसी गाड़ी ने मार कर चला गया और इस
इसी का प्रतिवाद में हम लोग आए हैं स्कूल में, संत मेरी गोरेटी स्कूल में, पुलिस और स्कूल का प्रशासन मिलकर दोनों ऐसा एक उपाय सोचे कि यहाँ दुर्घटना ना हो। कारण हमने पुलिस से अगर यहाँ ट्रैफिक का व्यवस्था सही से रहता वो बेचारी अभी जीवित रहती। स्कूलेर একজন গার্জেন এখানে রাস্তায় যখন ক্রসিং হচ্ছে পুলিশে বাচ্চা কাঁদতে যাচ্ছে তখন পুলিশের সামনে কি করে বাচ্চা অভিভাবকের ইয়ে হয় মৃত্যু হয় সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হয় মারা যায়। এই যে এখানে আমাদের সিসি ক্যামেরা নেই, পুলিশের ট্রাফিকের ভালোভাবে কাজ করছে না, ট্রাফিক পুলিশ নেই এখানে, তারপরে এখানে ব্রেকার নেই, এগুলো পার্কিং নেই, এগুলো পার্কিং নেই, আর বারবার যে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, বারবার যে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, বাচ্চাদের যে দায়িত্বটা কে নেবে। যে কাল একটু অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, বেচি আপনি বেটি কো লেনে কে লিয়ে আয়ে থে, উস সময় হাম লোগ কে সব ক্লাস মে এক্সাম চল রহা হ্যায় আবি, তো সব হাম লোগ বিজি হ্যায় উস মে, তো বাদ মে আকে পতা চল রহা হ্যায় কি ওহাঁ পর আপনি লেনে নার্সারি মে পড়তি যায় উনকি বেচি, ঠিক হ্যায়, তো ইসি কে বারে মে ইন লোগ। इन लोगों का डिमांड है अभी रोड का क्या डिमांड है, उन लोग क्या चाह रहे हैं, सिक्योरिटी होना से क्या लोग मांग रहे हैं, स्कूल से मांग रहे हैं, स्कूल के भीतर में तो मेरा सेफ्टी, हम तो अपना देखेंगे ना बच्चा लोगों का सिक्योरिटी, तो जो जरूरत हो तो मेरे पास, हम लोग ऑफिस में आएंगे, हम लोग लिख के जो देंगे उसके विषय में हम लोग सोचेंगे। अभी उन लोगों का डिमांड है गार्जियन के, मैंने सब गार्जियन की तरफ से कि मैंने बच्ची लोगों का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, उन लोगों का फीस माफ कर दिया, वो सब आके पेरेंट्स साथ में बात करेंगे, तो जरूर उसके विषय में हम लोग विचार करेंगे, सोचेंगे, ठीक है, सबको ही बोलने से तो नहीं होगा ना, गार्जियन अभी ये माहौल तो कुछ और समझ रहे हो, हाँ, तो इसीलिए अभिभावक आके उन मुलाकात करेंगे, लिख के वे भी देंगे, तो जरूर अपना मैनेजमेंट अपने सोचेंगे। This summer, boost your energy with Grishmakalin Mela, a summer carnival organized by Center Mall Asansol. Center Mall aapke liye laya hai mauj masti ki saugat. Grishmakalin Mela 20 April se 5 May tak. So come with your friends and family and have fun with different modes of entertainment. Mele mein kai stall hain jinme jewelry, food stall, fun rides, games, snack stall, kids zone aur bhi bahut kuch. Saath hi musical programs. To apne phone ko kare avoid aur enjoy kare Grishmakalin Mela opposite at Center Mall सृष्टिनगर असनसोल। आसनसोल नगर निगम के विभिन्न वार्डो में जलापूर्ति की समस्या और क्षेत्र की साफ सफाई को लेकर आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 3 वार्डो के पार्षद नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मिले और ईद के पर्व पर अपने अपने वार्ड में जलापूर्ति करने तथा साफ सफाई करवाने का अनुरोध किया। अपनी समस्या को लेकर 25 नंबर वार्ड के पार्षद सैयद मुस्तफा, 28 नंबर वार्ड के पार्षद गुलाम सरवर और 45 नंबर वार्ड की पार्षद आमना खातून मेयर विधान उपाध्याय से मिलने पहुँचे थे। समस्या एक ही है, जो सबसे ज़्यादा बर्निंग समस्या है वो है पानी। पानी के लिए लोग एकदम बेहाल हैं, किसी भी तरह से पानी नहीं मिल पा रहा, रमज़ान का महीना है, 2 दिन के बाद ईद है, पानी के लिए ही असल मसला है। पानी के लिए मेयर साहब को अभी फिर बोला, मेयर साहब बोल रहे हैं कि ठीक है, मेरा भरपूर कोशिश है कि मैंने जितना जल्द से जल्द हो मसाइल हल हो। मेयर साहब से मिलने के लिए पानी की समस्या के लिए और मेन है साफ सफाई है, उससे उनके बारे में ईद का त्यौहार है तो इसलिए रास्ते की साफ सफाई के लिए ज़रूरत है और पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही है, सारी बात बोले कि इसके लिए हम सबसे पहले इस चीज़ को ठीक करें, इससे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट किए इस बात के लिए लेकर पानी का समस्या पहले से सॉल्व करें और साफ़ सफाई के लिए करें। तो साफ सफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी हो रही है और अच्छे से, अब कहीं कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, उसके लिए लेकर बात हुआ, मैंने सब सही बात की, वो बोले ठीक है हम साफ सफाई इससे पहले ही करवा दें। हमारा तो एजेंडा चारों एजेंडा थर्ड का सबसे एजेंडा था कि हमारा नदी साफ सफाई होना चाहिए। नीओ साहब ने बोला कि बहुत जल्द काम लगाएंगे, बल्कि एक तो जीसीपी साहब उतारा भी है, तो साफ सफाई अगर हो जाएगा तो हम लोग का आधा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। दूसरा पानी का तो एक नंबर में एजेंडा था, पानी का भी बहुत जल्द उल्टा मसला का हल हो जाएगा। और तीसरा जो है, जो सैनिटरी डिपार्टमेंट ने हमने देखा, एक एक आदमी का चार चार टो ये हुआ, मतलब घर पास हुआ, एक घर में चार भाइयों का हो गया, तो ये किस ढंग से ये था, तो उन्होंने बोला ठीक है इसका इंक्वायरी होगा, उसको स्टॉप करके रुकाया जाएगा।
वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन शनिवार 30 अप्रैल को हुआ। पिछले दिनों राज्य में सीबीएसई बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों ने WBJEE का विरोध किया था। कारण, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं, वहीं वेस्ट बंगाल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा 30 अप्रैल को होने वाली। ऐसे में बोर्ड देने वाले छात्र राज्य स्तर की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा नहीं दे सकेंगे। इसे लेकर छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपना विरोध और ट्वीट किया था। इसके बावजूद वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया और परीक्षा 30 अप्रैल को ही संपन्न हुई। WBJEE एक राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा है जो सरकारी और स्ववित्त पोषित संस्थानों और विश्वविद्यालयों में स्नातक इंजीनियरिंग, फार्मेसी और वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। आसनसोल, रानीगंज, चितरंजन, चुरूलिया, दुर्गापुर सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आज लाखों विद्यार्थियों ने दिया। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस परीक्षा चलते तो আমাদের মেয়েদের এখানেই সিট পড়েছে আসানসোল গার্লস কলেজে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায়। এটা তো ওয়েস্ট বেঙ্গল বেস পরীক্ষা, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন কলেজে স্কুলে সিটটা পড়েছে। আপনারা কোন জায়গা থেকে এসেছেন? আমরা আসানসোলের এই এখানেই কাছাকাছি থাকি, হ্যাঁ, কিন্তু বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মানে কারো যেমন আমার মেয়ের বন্ধুদের মধ্যে কারো চিত্তরঞ্জনে পড়েছে, কারো চুরুলিয়া রানীগঞ্জে পড়েছে। জয়েন্ট কি পরীক্ষা দেবে? জয়েন্টে বসবে। কেমন মনে হচ্ছে, কি বলবে? কি হবে জানি না, টেনশন হচ্ছে। কোন জায়গা বাড়ি তোমার? কোন জায়গা থেকে এসেছো? বাড়ি কোথায়? নালা থেকে এসেছো। তোমারে ঘর কে ফার্নিচার বহুত আকর্ষক লাগতা হে, লাগতা বহুত মহঙ্গা হে। আরে নাহি, উতনে মহঙ্গে নাহি, রিজনেবল রেট পর হি লিয়ে। আচ্ছা, আও মে তুমে আপনা দিওয়ান সেট দিখাতি হু। ডিজাইন তো বহুত অ্যাট্রাকটিভ হে, লাগতা হে কোয়ালিটি মে দম নাহি হোগা। কোন কহতা হে, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सगवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। इफ यू आर अ फूडी एंड वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, देन वेलकम टू द पेपरी। You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Peppery, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.